धर्मसेना के योगेश अग्रवाल के नेतृत्व में आज जबलपुर कैंट पुलिस थाना पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बताया गया कि सिवनी में मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवा कर शासन को धोखे में रखा गया है। धर्मसेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि फर्जी दस्तावेज के बल पर अनुसूचित जाति वर्ग का प्रमाण पत्र बनवा कर युवक के द्वारा गंभीर अपराध किया गया है, जिसके विरुद्ध धर्मसेना के कार्यकर्ताओं ने कैंट थाना प्रभारी के माध्यम से सिवनी पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कठोर कार्यवाही की मांग की है। ये बहुत ही गंभीर अपराध किया गया है। एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति है सिवनी का, मुस्लिम, इसके बाप का नाम मुस्लिम, सर्टिफिकेट हमारे पास पूरे प्रमाण मिल गए हैं, और व्यक्ति मुस्लिम समाज का, उसका बाप मुस्लिम, और उसको जो है एक कूट रचित दस्तावेज बनाकर उसने एसडीएम से एक जाली प्रमाण पत्र, गौण जो है जनजाति, उसका बनवा लिया है, और पूरे प्रमाण हम लोग ने ऑनलाइन निकलवा लिया है। और एक बहुत गंभीर अपराध है, जब तुम कन्वर्ट हो गए हो, धर्म परिवर्तन कर लिया है तुमने, तुम्हारे पूर्वजों ने, तो तुम आरक्षण का लाभ तुमको कैसे मिल सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी यह निर्देश है। तो हम लोग ने सिवनी पुलिस अधीक्षक के नाम से थाना प्रभारी कैंट को ज्ञापन सौंप के मांग करी है कि इसमें इस कूट रचित दस्तावेज बनाकर ये जाली सर्टिफिकेट बनाने वाले मुस्लिम समाज का जो व्यक्ति है और सिवनी निवासी, इसके ऊपर जो गंभीर धाराओं के अंतर्गत, और इसे इसको जो बनवाने में सहयोग किया सर्टिफिकेट जिन अधिकारियों ने भी, उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग के द्वारा उग्र आंदोलन पूरे प्रदेश स्तर में किया जाएगा हिंदू धर्म सेना से। ठीक है।